हाई गाइज आई अमीशा टू दोज ऑफ यू आर हू आर सॉरी मैं बहुत ज़्यादा थक यू हूँ बट दैट्स ओके आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस इंसिडेंट विद यू गाइज इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ फॉर दोज ऑफ यू न्यू टू माई चैनल आई अमीशा आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन चार्ल्स डाविन यूनिवर्सिटी मुझे लगा खा भी लूँगी और साथ में वीडियो भी बना लूँगी एनी हाव सो आई वॉन्ट टू शेयर एन इंसिडेंट कि भाई डाविन अभी ना ज़्यादा अनसेफ हो गया पहले तो इट वॉज़ फिर भी फाइन लेकिन अब ज़्यादा अनसेफ़ हो गया उसके कुछ स्टैटिस्टिकल रीजन्स भी हैं विच फॉर ऑफिस रीज़न्स आई कॉन्ट शेयर हीयर बट एनी हाउ सो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर कि मेरे साथ अभी रिसेंटली क्या हुआ ठीक है so, सो मेरी रात की फ्लाइट थी एट टू थर्टी और यहाँ पर सब कुछ पास ही है तो हमें कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि भाई मुझे दो घंटे पहले एयरपोर्ट जाना पड़ेगा अगर मैं ट्वेंटी मिनट्स पहले भी एयरपोर्ट जाऊँ सो इट शुड भी ओके सो मैं अपने घर से निकली अराउंड टू एंड लेट गिव यू सम ऑफ द सम कॉन्टेक्स्ट कि मेरा घर किस लोकेशन पे है मेरा घर सी बी डी में है मेन स्ट्रीट वो वो सबसे बिजीएस स्ट्रीट है वहाँ पर है ठीक है पर ऐसा नहीं है कि भाई वो स्ट्रीट हमेशा बिजी रहती है ऐसा कुछ नहीं होता तो जब मैंने रात को अपनी कार निकाली जब हम पार्किंग से जाते हैं तो जो पार्किंग के बीच वाला एरिया था वहाँ पर एक साइकिल पड़ी हुई थी ठीक है क्या तो कोई ड्रंक होगा या किसी ने बीच में गिरा दी या कुछ भी किया आई डोंट नो वो साइकिल पड़ी हुई थी वहाँ पर अब जब वो साइकिल वहाँ पर पड़ी हुई थी तो ऑफकोर्स मुझे वो पहले उठाने जाने पड़ती मैंने पहले वो साइकिल को उठाना था एंड उसके बाद ही मैं वहाँ से अपनी कार निकाल सकती हूँ राइट सो so, मतलब जब मैं अपनी वो साइकिल उठाने गई तो मतलब मैं मेन रोड पर चली गई क्योंकि वो बीच में पड़ी हुई थी तो वहाँ से एक बंदा आता है गई वहाँ से वहाँ से एक बंदा आया जो बहुत जोर जोर से चला रहा था कि यू हैव टू वेट सिस्टर वेट सिस्टर वेट सिस्टर वेट ठीक है ऑफकोर्स आई नो दैट ही इज ड्रंक एंड एक्सेसिवली भी ड्रंक है आई नो देट इट इज क्वाइट अनसेफ तो मैंने फटाफट -फड़ से जल्दी कोई भी सिचुएशन मतलब कोई भी बंदा हो मैं नहीं कोई भी बंदा हो वो भाई डर ही जाएगा कि यार क्योंकि एवरी वन नो यू नो जो अमाउंट ऑफ क्राइम्स जो यहाँ पे होते हैं हो, और सबको पता है कि कौन करता है या क्या है जो भी सिचुएशन है राइट right? तो फिर मैं डर गई फॉर ऑब्वियस रीजनस फिर मैंने सोचा कि अब साइकिल तो उठाना ही है फिर साइकिल उठा के मैं फटाफट से अपनी कार में आके बैठने लगी लेकिन वो चिल्ला रहा था कि नो वेट 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 ठीक है और अभी मेरे को याद भी नहीं है उसने और क्या क्या बोला फिर मैं लेकिन अपनी कार में आके बैठ गई लेकिन वो फिर भागा आया एंड वो सीधा मेरी कार के आगे खड़ा हो गया तो इसका ये मतलब है कि ना तो मैं आगे जा सकती हूँ क्योंकि मेरी कार के आगे ऐसे खड़ा हुआ लाइक अ टावर कि कांट गो एंड पीछे तो मैं पीछे जाने से तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि वो तो पार्किंग एरिया ही है राइट वो तो वहाँ पर भी आ ही जाएगा सो so ऐसा नहीं है कि भाई मैं, मैं भाग के अपने घर वापस चली जाऊँ ऐसा भी नहीं हो सकता दैट मीन्स आई हैव टू इनकाउंटर दैट मैन अब मुझे समझ नहीं आ रहा वो तो आगे खड़ा हो गया ऐसे हाथ करके कि मैं तो जाने नहीं दूंगा अब उसके ऊपर से तो कार चला नहीं सकते ऑफ कोर्स ये तो कोई बात ही नहीं है ऑप्शन ही नहीं है उसके बाद देन आई टोल्ड हिम कि भाई बता देखो क्या चाहिए है ना क्योंकि वही एक ऑप्शन था मैंने उसे पूछा कि, कि डाविन में सब लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई आपको ऐसे रोकता है तो यू नो वट यू हैव यू जस्ट गिव टू दैट पर्सन लाइक यू सरेंडर तो फिर मैंने उससे पूछा कि भाई बता दे तेरे को क्या चाहिए मैं सोच रही कि यार आज तो या तो गाड़ी का शीशा टूटेगा या तो सोलह सतारह हज़ार का नुकसान होएगा गाड़ी का शीशा टूट जाएगा या फिर कुछ और भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है राइट कुछ भी हो सकता है देन मैंने उसको बड़ी स्मार्टली मैनेज करने की कोशिश की देन आए मैंने उसकी तरफ इशारा किया और मैंने बोला कि मैं गाड़ी का शी मतलब मैंने कोर्स उसी टाइम पर ही मैंने गाड़ी के दोनों शीशे बंद कर दिए थे तो मैंने उसको इशारा करा कि मैं गाड़ी का शीशा खोल रही हूँ तो इधर आके मेरे से बात कर ठीक है तो फिर उसने अपने हाथ में बीस डॉलर का नोट निकाला था उसके वॉलेट में पैसे थे उसे शायद ज़्यादा ही पैसे थे मेरे हिसाब से बीस डॉलर का नोट निकाला था उसने अपनी पॉकेट से मैंने बोला इधर आके मेरे से बात कर है ना कि क्या बोलना है तो फिर वो आया और वो बीस डॉलर का नोट दिखा के बोलता है कि मुझे अपनी कार में बिठाओ और टेक मी टू दी कसिनो ठीक है एंड देन मुझे पता चल गया कि भाई ये तो सही सिस्टम नहीं है और फिर क्या फिर मैंने फटाफट से लाइक विद इन स्पैन यू नो इन फ्यू सेकेंड्स फटाफट से शीशा बंद करा और मैंने वहाँ से अपनी गाड़ी दौड़ा ली तो अब द क्रैक्स ऑफ द स्टोरी इज अब कुछ भी हो सकता था कुछ भी हो सकता था उस दिन लाइक दो तीन दिन पहले कुछ भी हो सकता था सो so, अभी कुछ चीज़ें हैं जो मैं हमेशा अपने दिमाग में रखती हूँ मैं रात को कभी अकेले बाहर नहीं जाती अर्ली आर आई यूज़ टू गो टू वॉक अर्ली आई यूज़ टू गो टू जिम एज वेल ठीक है मैं पैदल जिम जाती थी बिकॉज जिम इज़ वेरी वेरी नियर टू माई हाउस जस्ट लाइक टू मिनट्स और थ्री मिनट्स वॉक पर मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि रोड्स पर पैदल जाना भी इतना सेफ नहीं है बिकॉज ऑफ द न्यूज रीडिंग ठीक है सम वन स्टैपन आज दो लोगों को स्टैप कर दिया आज एक लोग को स्टैप कर दिया दिटी ठीक है और अभी तो एक और भी न्यूज आई है विच इज डिस्टेटिंग विच इज शैटरिंग दैट कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट था उसको उसके घर में यू नो घुस के मारा एंड आई डोंट नो आई डोंट नो द कम्प्लीट न्यूज़ टू बी वेरी ऑनस्ट मुझे तो सिर्फ अभी ई मेल आई थी यूनिवर्सिटी की दट दिस इज हैपन और फिर मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा कि हाँ सी डी यू का एक स्टूडेंट था इंटरनेशनल स्टूडेंट जिसके साथ ही हुआ है so, तो लोग ऐसा बोलते हैं वार्ड तो लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आपके घर में कोई भी घुस गया है ठीक है लोग आपके घर में कोई भी घुस गया सो वट एवर दैट पर्सन इज आस्किंग फॉर यू जस्ट गिव दैट थिंग लाइक यू कांट से कि ओ oh, हो मैं तो लड़ रहा हूँ कि ऐसे कैसे मेरी कोई चीज़ उठा ली ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर दे आर वेरी क्रूअल लाइक दे आर वेरी क्रूअल क्रूअल इन द सेंस कि, कि, like, cruel. Cruel कि मार दें ट्स नॉर्मल फॉर देम लाइक देिंक वो हो कि भाई हमने चाकू मार दिया है ना या ऐसा कुछ हो गया दे वोट थिंक लाइक लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस जगह पर आपको ऐसे कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस रहे राइट right? आपको अभी तो मैं है रहती हूँ देखिए जहाँ पर थोड़ा लाइवली माहौल है मैंने <coughs> सेवन ओ क्लाक लिटली सेवन ओ क्लॉक मैंने ऐसी ऐसी स्ट्रीट देखी जो शांत हो जाती हैं सिक्स थर्टी सिक्स ओ क्लॉक भी ऐसे शांत हो जाती हैं कि जैसे यहाँ पर कोई परिंदा भी नहीं रहता है इतना मतलब दैट्स द रीज़न दर इन सिटी दैट्स द रीज़न दर एलेवन सिटी कि यार मुझे बिल्कुल क्योंकि अगर मैं ऐसी जगह पर रहूँगी जहाँ पर कुछ भी सड़कें चलेंगी नहीं तो मैं तो बहुत बोर हो जाऊँगी एंड आई फील लाइक यार नथिंग इज हैिंग यू नो सो द क्रक्स ऑफ मैं ऐसा कुछ नहीं है दाइ मेरा मोटिव ये नहीं है कि भाई मैं किसी को डराना चाहती हूँ कि ओ हो भाई ऐसा है वैसा है इज़ जस्ट दैट बी अवेयर एंड बी अलर्ट एंड रात को बाहर ना ही जाओ दैट्स अ बेटर आइडिया एंड इज़ जस्ट दैट यू नीड टू बी अवेयर एंड अलर्ट और तो और मैं बताती हूँ मेरे साथ ऐसा हुआ है दो तीन बार बिकॉज दीज पीपल आर ड्रंक सो दे डोंट नो वट दे आर डूइंग यू नो दे कैन बी एज क्रोल एज पॉसिबल तो वैसा और तब भी ये भी मैं बिजी स्ट्रीट की बात ही बता रही हूँ बिकॉज आई यूजली वॉक इन सिटी ओनली तो मैं एक दो बार मेरे साथ दो तीन बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं नीचे वॉक करने के लिए गई हूँ ठीक है एंड जब मैं नीचे वॉक करने के लिए गई हूँ तो फिर कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है यू you नो know? पैसे दे दो कॉल कर दो सिगरेट दे दो एंड ऑल दैट जो बी ए वट एवर फिर पीछे पीछे तक आ रहे हैं देन यू जस्ट से देम सॉरी वी डोंट हैव इट यू नो लेट इज गो बट मतलब यार इट्स नॉट सेफ एंड द सबसे बड़ी उससे भी बड़ी बात है दैट योर मेंटल हेल्थ गेट्स अफेक्टेड नॉर्मल सी बात है ना अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे बाहर जाने में आपको डर लग रहा है अब अगली बार अगर मैं दो बजे घर से बाहर निकलूंगी सो आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट इट कि यार मैं अपनी कार में जाऊँ या फिर उबर कर लूँ यू नो आई हैव टू थिंक अबाउट इट सो I don't want to uh, <laughs> I don't want to scare anyone but it's just that you need to be alert and that's the reality, Ye, reality hai, that the crimes have crime or statistical reasons why they have increased but anyhow I'll not talk about that stay safe stay alert and that's all I can say <laughs> I'll see you you can like this video and uh, Stay active. I'll see you soon in my next video.